अच्छी लंबाई हर किसी की पसंद होती है, लेकिन आजकल अधिकतर पुरुषों में कम हाइट की समस्या अक्सर देखी जा रही है। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्गों की हाइट अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब पहले जैसी हाइट कम ही लोगों की होती है। दरअसल पहले बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज व्यक्ति फैट लॉस या फैट गेन करने के लिए ही फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देता है। यदि खानपान की बात करें तो पहले शुद्ध चीजें आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आज ये संभव नहीं हो पाता। उस समय बचपन में ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को मिल जाते थे। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग हाइट बढ़ाने के लिए पिल सप्लीमेंट भी लेते हैं, लेकिन इनका सेवन गलत होता है। कहा जाता है कि हाइट सिर्फ 18 साल तक बढ़ती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि हाइट 21 से 22 साल तक बढ़ सकती है। लंबाई बढ़ाने में एक्सरसाइज का अहम योगदान होता है। फुटबॉल, बास्केटबॉल खेलने और रनिंग करने वालों की हाइट आमतौर पर अच्छी होती है। आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं जिनसे लंबाई बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हैंगिंग एक्सरसाइज। ग्रेविटी का हाइट पर असर पड़ता है। आप बॉडी को हैंग करते हैं तो रीढ़ और जोड़ों को कंप्रेस करती है, जो नरम हड्डी को लंबा कर देती है। एक वर्टिकल बार पर लटकना हाइट बढ़ाने का अच्छा तरीका हो सकता है। लटकने से धड़ के निचले हिस्से का भार रीढ़ पर पड़ता है और कसे रुकावों पर खिंचाव कम हो जाता है। इससे ऊंचाई 1 से 2 इंच बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होता। हैंगिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको बारबेल या रॉड का सहारा लेते हुए इतनी ऊंचाई पर लटकना होता है कि आपके पैर जमीन पर ना टके। लटकते समय अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। जितनी देर हो सके उतनी देर तक लटकें और बीच में 30 से 40 सेकंड का गैप भी ले सकते हैं। साइड स्ट्रेच। साइड स्ट्रेच मांसपेशियों को लंबा करने में मददगार है, इसलिए इसे हाइट बढ़ाने की कारगर एक्सरसाइज माना जाता है। लंबाई बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज विशेष रूप से इंटरकोस्टल मसल्स को बढ़ाते हैं और मजबूत बनाते हैं। साइड स्ट्रेच करते समय ये जरूर देखें कि आप मसल्स को पीठ के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ खींचते हैं और आपके कंधे तक ऊंचाई तक स्ट्रेच महसूस करते हैं। साइड स्ट्रेच करने के लिए सीधे खड़े हों और अपने हाथों को सिर के ऊपर फैलाते हुए मिलाकर पकड़ें। अब ऊपरी शरीर को दाईं ओर मोड़ें और 20 सेकंड के लिए होल्ड करें। इसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन में आएं, फिर बाईं तरफ स्ट्रेच करें। इसी तरह 20 से 30 रिप्स के 3 सेट करें। कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 8वीं स्थिति है। इसे करने से कमर दर्द से राहत के साथ ही कई फायदे मिलते हैं। ये हाइट बढ़ाने में भी फायदेमंद होता है। इस योगासन का उद्देश्य आपकी रीढ़ की हड्डी को लंबा करना होता है। ये कसे रुकावों के बीच चौड़ाई बढ़ने से रोकने में भी फायदेमंद है, जिससे आपकी वर्टिकल हाइट बढ़ती है। इसे करने के लिए चेहरा नीचे करके फर्श पर लेट जाएं और अपने कंधों के नीचे हथेलियां रखें। अपनी रीढ़ को वीडियो में दिखाए मुताबिक ऊपर की ओर उठाएं, जितना संभव हो उतना पीछे की ओर आर्क करें। 5 से 30 सेकंड के बीच पोजीशन को होल्ड करें और फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। ये एक रिप्स कहलाएगा। इसी तरह 10 से 12 रिप्स करें। रोप जंप। रोप जंप पूरी बॉडी का फैट बर्न करने में मदद करती है, लेकिन ये हाइट भी बढ़ा सकती है। यदि आप 15 से 20 मिनट भी रोजाना रस्सी कूदते हैं तो आपकी 250-300 कैलोरी बर्न हो सकती है। इसलिए स्पॉट जंप और रोप स्कीपिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी बढ़ा सकती है, इसलिए ही इसे बेसिक एक्सरसाइज में रखा जाता है। हाइट बढ़ाने के लिए रोजाना रोप जंप भी करें, जिससे आपको काफी मदद मिल सकती है। स्विमिंग। स्विमिंग हेल्थ के लिए मजेदार एक्सरसाइज है। ये आपको ओवरऑल हेल्दी रखने में मदद करती है। ये एक होल बॉडी एक्सरसाइज है जो शरीर के सभी मसल्स पर काम करता है। स्विमिंग के दौरान अधिक खिंचाव होने के कारण ये रीढ़ को मजबूत करती है और लंबाई को बढ़ावा देती है। आप चाहे तो रेगुलर स्विमिंग करके भी हाइट बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।